आज इन ट्रेडेस क्लास वे आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अच्छा जो एक्सेल वर्ड है ये बहुत जगह है आपने सुना होगा क्या ये जो एक्सेल वर्ड ह बहुत सारे रोज हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो बेसिकली कोई चीज हमें कैलकुलेट करनी है कोई लिस्ट हमें फॉर्म करनी है तो वो सारी चीजें हम एक्सेल का यूज करके कर सकते हैं किसका यूज करके एक्सेल का यूज करके हम हर चीज का एस्टिमेट वहां पर बना सकते हैं लाइक like हमें मंथली अगर ये देखना है कि हमने मंथली कितना एक्सपेंडिचर हुआ है तो वो सारी चीजें हैं अकाउंटिंग है कितना हमें प्रॉफिट हुआ है कितना हमें लॉस हुआ है ये सारी चीजें हम एक्सेल के अंदर बना सकते हैं किसके अंदर ये सारी चीजें हम एक्सेल के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर कुछ ऑलरेडी इनबिल्ट बिल्ट भी प्रेजेंट होते हैं जैसे आपको सम करना है आपको एवरेज करना है मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मिनिमम वैल्यू चाहिए तो कुछ इस तरह के जो हमारे फॉर्मलेज होते हैं वो भी एक्सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं ठीक है इसीलिए एक्सेल को एक टेबल की फॉर्म में यूज किया जाता है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ रॉज है बहुत सारे नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे ओके तो एक्सेल को ही बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम समझने वाले हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसके इंट्रोडक्शन पार्ट से एक्सेल एक्चुअल में है क्या उसको हम यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे ओके

जहां पर भी सपोज ये बहुत सारी रोज ठीक है? ठीके? और ये हमारे कॉलम्स तो रो का मतलब तो इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट को उस कॉलम को उस छोटे से डिब्बा है ये छोटा बॉक्स है इसको हम क्या बोलेंगे इसको सेल कहा जाएगा क्या कहा जाएगा इसको सेल कहा जाएगा ठीक है सो ईच सेल कैन होल्ड टेक्स्ट तो भी भी उस नंबर के साथ हम उनको मैथमेटिकल फॉर्मूला भी प्रोवाइड करवा सकते हैं क्या वहां पर मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करके हम उसको कैलकुलेशन पार्ट में भी यूज कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो हर सेल के अंदर क्या हो सकता है कोई नंबर हो सकता है कोई अल्फाबेट हो सकता है यू कैन यूज एक्सेल टू एंटरशियल और स्टैटिस्टिकलेश कर सकते हैं के अंदर हर तरह का हम रख सकते हैं चाहे हमें फाइनेंशियली कोई काम को फाइनेंस रिलेटेड कोई काम हो कोई मैथमेटिकल काम हो वो भी हम एक्सल को यूज करके कर सकते हैं और स्टैटिस्टिकल अगर कैलकुलेशन करनी है या कोई भी तरह की कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो आप अपना जो डेटा है वो कहा रख सकते हैं वो डेटा आप एक्सेल के अंदर सॉर्ट करके रख सकते हैं जिससे आपको इजिली जल्दी चीजें मिल जाती है अब जैसे सपोज ये है तो ये हमारा जो सेल है सपोज इसका नाम हमने ए दे दिया तो इसका जो जस्ट नेक्स्ट वाला सेल होगा इसका जो नेक्स्ट वाला सेल होगा उसे हम क्या बोलेंगे उसे ए टू नेम दे दिया जाएगा क्या नेम दिया जाएगा उसको ए टू यहाँ पर नेम दे दिया जाएगा क्लियर हुआ समझ आया एक्सेल क्या है तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट की तरह है जिसके अंदर मैट्रिक्स होती है रॉस की भी और कॉलम्स की भी किसकी होगी रॉस की और कॉलम्स की दोनों की ही मैट्रिक्स इसके अंदर प्रेजेंट होगी क्लियर हुआ ओके okay. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम देखने वाले हैं कि इसको हम कहां कहां यूज कर सकते हैं किस तरह से एक्सेल को यूज किया जाए सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इनेबल्स यू टू अब ये हमें क्या क्या करने को देता है क्या क्या चीजों में हमारी इनेबिलिटी ऑन करता है वो हम देख लेते हैं तो फर्स्ट इज फॉर्मेट योर डेटा क्या कर सकता है आपके डेटा को एक फॉर्मेट में

हम फॉर्मुलेस का यूज कर सकते हैं जिससे हमारी ऑटोमेटिकल अपडेशन हो जाता है हमारी स्प्रेडशीट के अंदर हमारे एक्सेल के अंदर ओके जनरेट चार्ट एंड ग्राफ्रेशन ट्रू योर डेटा अगर हमें क्या बनाना है सपोज हमने कुछ डेटा उसमें रखा है अब हम चाहते हैं कि इसको हमें चार्ट में कन्वर्ट करना है या फिर इसको हमें ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं एक्सेल का यूज करके इसका एक्सेल का हमें क्या होगा हमें एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यूज मिल जाएंगी उन वैल्यूज से डायरेक्टली ग्राफ्स और चार्ट्स जो है हम जनरेट कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इज ऑटोमेट एंड कस्टमाइज प्रोसीजर बाय यूजिंग मैक्रोस मैक्रोस का यूज करके यहाँ पर क्या होगा मैक्रोस का यूज करके जो हमारे हमारे क्या है हमारे जो भी प्रोसीजर है उनको वो कस्टमाइज कर देता है मतलब जिस तरह से चाहे आप उसको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं इसी चीज को हम कस्टमाइजेशन कहते हैं ठीक है ठीके? तो एम एस एक्सेल में भी क्या होगा एक्सेल के अंदर भी ऑटोमेट एंड कस्टमाइज प्रोसीजर बाय यूजिंग मैक्रोस मैक्रोस का यूज करके हम

कॉलम्स के लेटर्स हैं जो यहाँ पर मेंशन है इसके अलावा अगर हम देखें तो इस साइड पे हमारी कितनी रोज उसके अंदर प्रेजेंट होंगी उन पूरी रोज का जो नंबर है वो यहाँ पर मेंशन होता है कि कितनी रोज इस एक्सेल के अंदर प्रेजेंट होगी ठीक है रो नंबर के बाद अगर हम देखें तो शीट का नेविगेशन है लाइक शीट को हमें इधर शिफ्ट करना है या उधर शिफ्ट करना है तो वो हमें नीचे के साइड से हम कर सकते हैं उसके बाद होगा हमारा स्टेटस बार और स्टेटस बार के बाद होगा हमारा डिस्प्ले और जूम कंट्रोल डिस्प्ले और जूम का कंट्रोल हमें पता है दोनों ही क्या हैं तो ये दोनों ये सारे आपको दिखेंगे जैसे ही आप एम एस ओपन करेंगे क्या करेंगे जैसे ही आप एक्सेल को ओपन करते हैं ये सारी चीजें इस तरह की पहले तो स्क्रीन और उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे ओके अच्छा ये स्क्रीन तो हमने देख ली पर ये भी तो पता हो कि एक्सेल को ओपन कैसे किया जाएगा एक्सेल so, को ओपन करने के लिए स्टार्टिंग विंडोज 10. 10 के अंदर यहां पर ओपन करना होगा so, हमें सबसे क्या पहले क्या करना है सबसे पहले जो विंडोज बटन प्रेजेंट होता है हमारी स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड में उस विंडोज बटन पे हमें क्लिक करना है ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप ठीक है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके अंदर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस

और किस तरह से हम उसको ओपन करने वाले हैं तो जब आपसे पूछा जाए इनके स्टेप्स क्या हैं तो ये स्टेप्स आपको वहां पर लिखने होंगे ओके okay? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही आज हमने एक्सेल के बारे में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है इसके अलावा हमने बात की है अभी जिस चीजों की किसकी बात की है हमने अभी हमने देखा कि एक्सेल के अलावा क्या एक्सेल के अंदर हम किस तरह से उसको ओपन कर सकते हैं और किस तरह की जो स्क्रीन है वो हमें वहाँ पर दिखने वाली है ये हमने आज डिस्कस कर लिया है इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सेल टूल बार्स के बारे में और किस तरह से रो या कॉलम को इंसर्ट और डिलीट किया जाए ये भी हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर ओके थैंक यू